हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीनू पल्लवी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। अगर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। अगर वो ऑलरेडी किया है तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग देयर विद मी। पहले हम सिर्फ फिजिकल एक्सफोलिएशन करते थे, उसके बाद मार्केट में आए केमिकल एक्सफोलिएशन, जिसमें बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आए, जैसे कि सेरम्स, एक्सफोलिएटिंग सेरम्स, एक्सफोलिएटिंग टोनर्स, फेस वॉशेस, ब्ला 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 ब्ला, अलॉन्ग विद एक्सफोलिएटिंग पील ऑफ मास्क। यहाँ तक तो सही था, बट अब मार्केट में आया हुआ है पील ऑफ सेरम्स, विच आई नो साउंड्स वियर्ड एंड या मे बी इट इज़ वियर्ड, जो कि हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे इफ देर इज एक्चुअली अ नीड ऑफ दीज काइंड ऑफ सेरम्स और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो, जिसमें मैं मेरा रिव्यू भी देने वाली हूँ। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मिनिमलिस्ट का AHA, PHA और BHA पील ऑफ सेरम के बारे में। ना मैंने इसका भी अराउंड 2 डिब्बा खत्म कर लिया, लाइक ये वाला तो पूरा खत्म हो गया है एंड ये वाला इफ यू गाइस कैन सी इट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, जो कि एक तो यूज के बाद ये भी खत्म हो ही जाएगा। या आई डोंट नो, आई थॉट कि इसका ये जो यू नो डिब्बा है वो डिब्बा ग्लास का बॉटल है, जो इसका ग्लास का बॉटल है वो डार्क कलर का होगा, बट इट्स वियर्ड, इट टर्न आउट टू बी वाइट। एनी वेज यू कैन सी इसके अंदर जो लिक्विड है वो येलो कलर की है, विच अगेन कुड बी बिकॉज इसमें टर्मेरिक एडेड है। नो, ये कुछ इस टाइप के कंटेनर में आता है एंड या इस टाइप का इसके ड्रॉपर है, जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, क्योंकि जो इसका ड्रॉपर उसके साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसहैपनिंग हो चुका है। सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस थिंग मे बी, बट आई एम द फैन ऑफ व्हाट्स इनसाइड। सो अगेन इट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रेग्रेंस, सिलिकन्स, पैराबेंस, सल्फेट्स, डाइज एंड एसेंशियल ऑयल्स। सो इसकी प्राइस है 799 फॉर 30 ml। नाउ वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है, इसे कैसे अप्लाई करना होता है एंड ये एक्चुअली में यूजफुल है भी कि नहीं है। उसके पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट है। एज द नेम सजेस्ट, इसमें 25% AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जिसके अंदर आता है, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। नाउ ये बेसिकली काम कैसे करता है, AHA का जो मॉलिक्यूल साइज होता है वो PHA से छोटा होता है और BHA से बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन के बहुत डीप लेयर में नहीं जाता, ये स्किन के ऑलमोस्ट ऊपर ही रह के काम करता है। आप लोगों को पता होगा हमारी स्किन जो है वो डेड स्किन सेल्स को शेड ऑफ करते रहती है, तो PHA और AHA क्या करते हैं उसी प्रोसेस को ईजी बना देते हैं, लाइक जो डेड स्किन शेड ऑफ करने का जो प्रोसेस होता है उसे ईजी बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है ईजिली डेड स्किन सेल्स को शेड ऑफ कर पाती है और जो अंदर से जो प्लम और हाइड्रेटेड स्किन आता है वो ज़्यादा जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से जो स्किन का टर्नओवर रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर मैं अपने पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड की बात करती हूँ, इसमें आते हैं मैंडेलिक एसिड और एक दो एसिड्स भी आते हैं इसमें, जो कि हमारे स्किन के बिल्कुल ऊपर लेयर में रहते हैं, उनका मॉलिक्यूल साइज इतना बड़ा होता है कि वो स्किन के अंदर बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पाते, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रीजन वाई यू कैन यूज दिस इफ यू आर अ सेंसिटिव स्किन पीपल। ऑल्सो इसमें AHA भी है, सो यू कैन यूज PHA इफ यू आर अ यू नो सेंसिटिव स्किन पीपल एंड इफ यू गेट इरिटेटेड वेरी इजली विद दीज काइंड ऑफ एक्सफोलिएटिंग सीरम्स। तो हाँ, जो मैंडेलिक एसिड या फिर जो भी PHA होते हैं वो स्किन के बिल्कुल ऊपर लेयर में रह के काम करते हैं, विच अगेन गिव्स यू नो मल्टी लेयर काइंड ऑफ इफेक्ट, क्योंकि जो AHA है वो थोड़ा सा अंदर जा रहा है, BHA जो है वो पूरा ही अंदर जा रहा है, PHA जो है स्किन के बिल्कुल ऊपर में रह के काम कर रहा है, ये भी स्किन के टर्न ओवर रेट को यू नो इंक्रीज करता है, अगेन स्किन को एक इवन टोन देने का काम करता है, बिकॉज जो आपकी डेड स्किन सेल्स है, जो आपकी यू नो पिगमेंटेड स्किन सेल्स है वो और ज़्यादा जल्दी शेड ऑफ हो रही हैं। नाउ आफ्टर दिस कम्स BHA यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसके अंदर आता है सैलिसिलिक एसिड। एंड जितने लोग को भी एक्ने हैं, जितने लोग भी यू नो एक्ने प्रोन स्किन टाइप वाले, उन सबको पता होगा कि सैलिसिलिक एसिड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड व्हेन इट कम्स टू एक्ने प्रोन स्किन टाइप। ये हमारे स्किन के बहुत डीप जाता है और स्किन को अंदर से क्लीन करता है, विच इज़ वाई इट टेक्स केयर ऑफ ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, रियली 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 नाइस। ये पिंपल्स को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। न इसे एक दो बार में यूज़ करने के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, यू नीड टू कीप ऑन यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू सी द रिजल्ट। और ये रिजल्ट आपको मे बी शायद पता भी नहीं चले, मे बी शायद बहुत आगे जाके पता चले, क्योंकि जब आप अपना फेस डेली देखते हो तो आपको जो भी यू नो स्लो वाला रिजल्ट होता है वो आपको नहीं पता चल पाता है। यूज करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट कर लें टू मेक श्योर कि आपकी स्किन टाइप को सूट कर रही है। ना अगर आप कोई भी इस टाइप का सीरम यूज करें, ना सिर्फ ये वाला, अगर आप कोई भी एक्सफोलिएशन सीरम या फिर कोई भी ट्रीटमेंट वाला चीज़ यूज करें, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उसे नाइट टाइम में यूज करें, क्योंकि जब आप उसे यूज करके सोते तो आपकी स्किन रेस्ट करती है और वो बहुत ज्यादा अच्छे से रिकवर हो पाती है। जो भी सेरम्स होता है उसका जो
इफेक्ट है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। सेकेंड चीज़ की रात को, क्योंकि आपको घर के अंदर रहना होता है, डर्ट, गंक, पॉलिटेंट, सनरेज, ये सारी चीज़ों से आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से वो और भी अच्छे से काम कर पाता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको इसे फेस वॉश करने के बाद फेस को बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसे लगाने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये आपके यू नो स्किन में इचनेस हो रही है इसे लगाने के बाद, सो दैट इज़ ओके। ये एक्चुअली में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सीरम है, तो इसे लगाने के बाद क्योंकि एक्सफोलिएशन का काम कर रहा है, स्किन में थोड़ी सी इचनेस होगी, बट योर स्किन शुड नॉट बर्न। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्न हो रही है, देन प्लीज़ गो वॉश इट ऑफ इमीडिएटली एंड डिसकंटिन्यू यूजिंग दिस, बिकॉज इचिंग इज ओके बट बर्निंग इज नॉट ओके, सो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट चेंजेस, स्क्रबिंग के टाइप आपको बिल्कुल एकदम ऐसे इंस्टेंटली चेंजेस नहीं फील होगा कि आपने फेस वॉश किया एंड योर स्किन इज ग्लोइंग, नहीं। आप जब रात को सोएंगे उसके बाद सुबह उठ के आपको चेंजेस फील होगा, लाइक योर स्किन विल फील सॉफ्ट। अगर आप रात को इसे यूज़ करें तो प्लीज़ इसे यूज़ करने के बाद कोई भी ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ कीजिए, जैसे कि रेटिनॉल, रेटिनोइन, इवन विटामिन सी और एनीथिंग। इसे यूज़ करने के बाद, फेस को वॉश ऑफ करने के बाद, बस एक मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब आपकी स्किन यू नो रेस्ट करेगी, अच्छे से काम डाउन हो पाएगी, और फिर सुबह उठ के आपको अपने स्किन पे इसका रिजल्ट फील ज़रूर होगा। नाउ डायरेक्शंस में भी बहुत क्लियरली मेंशनड है, आपको इसका एक थिक लेयर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना। प्लीज़ अंडर आई रीजन से बच के इसे अप्लाई कीजिएगा। आपको इसे लगा कि स्किन के अंदर बिल्कुल ऐसे ऐसे मसाज नहीं करना, बस इसे लगा लीजिए और जैसे नॉर्मली फेस मास्क लगाया जाता है, इसे पूरी स्किन में इसका एक थिक लेयर फैला लीजिए एंड देन लेट इट बी। यू हैव टू वेट फॉर अराउंड 8 to 10 minutes एंड देन आपको इसे ल्यूक वॉर्म वाटर से वॉश ऑफ कर लेना है। नाउ इसे आपको हर 14 दिन में या फिर 2 वीक में यूज़ करना है, बट हाँ उसके भी यू नो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो कि आई नो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव पर्सनली फेल्ट व्हेन आई वाज यूजिंग दिस। सो चलिए अब मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लेती हूँ। मैं इसे अराउंड पास्ट 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, लाइक मार्च 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, एंड या दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई फेल्ट अबाउट यूजिंग दिस। अगर आप एक डेली एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, टोनर, क्रीम, कुछ भी ऐसा यूज़ करें, या फिर वीकली में एक्सफोलिएट करने वाला सीरम, या यू नो कुछ भी वैसा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसका ज़रूरत नहीं है। मे बी यू कैन यूज़ दिस वंस इन अ मंथ, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी वो डेड स्किन सेल्स को शट ऑफ कर रहे हैं, तो इसे यूज़ करने से ऐसा नहीं है कि कुछ जादू हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट, एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि इवन तो अगर आप कुछ भी वैसा डेली एक्सफोलिएशन वाला ट्रीटमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की ज़्यादा शिकायत है, ये यूज़ करने से वो वाली इशू बहुत ज़्यादा रिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो होते हैं वो ऐसे 14 दिन में या फिर 10 दिन में या फिर 2 वीक्स में ऐसा सीरम यूज़ करने से नहीं ठीक होंगे। वो 2% सैलिसिलिक एसिड का आप कोई भी टोनर या फिर कोई भी सीरम वीक में अराउंड 2-3 बार यूज़ कीजिएगा, उसके बाद जाके वो कंट्रोल में आएंगे। बट हाँ, अगर आपको वीक में एक बार या फिर हर 14 दिन में एक बार फेस को अच्छे से डीपली क्लेंस करना है, डीपली एक्सफोलिएट करना है, देन यू कैन गो विद दिस वन ओनली व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ डेली एक्सफोलिएशन मेथड्स। नो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक डेली एक्सफोलिएशन वाला टोनर यूज़ करती हूँ, तो मैं इसे मंथ में अराउंड 1 बार या फिर मे बी 45 डेज में 1 बार ही बस यूज़ करती हूँ। बट हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे यूज़ करने के बाद जब मैं सुबह उठती हूँ, सो आई डू फील कि मेरी स्किन बेबी सॉफ्ट स्किन काइंड ऑफ मुझे फील होता है इसे यूज़ करने के बाद। ऐसा नहीं है कि नहीं फील होता है, ऐसा नहीं है कि दिस डज नॉट वर्क, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर यूजिंग दिस, कि आपको कौन से प्रोडक्ट को कब यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट आया हुआ है तो आपको वो सारा प्रोडक्ट को एक ही बार में यूज़ करना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई डोंट नो, मुझे लगता है ना मैं इस वीडियो में बस इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही बात कर रही हूँ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप अपना डेड स्किन सेल्स को शेड ऑफ कर रहे हैं, अंदर से बेबी सॉफ्ट स्किन आ रही है, तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। ओके, तो अगर आप यू नो रात को इसे यूज़ करें तो सुबह उठ के प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप अपनी स्किन को अच्छे से सनस्क्रीन से बिल्कुल एकदम ऐसे भर ले अपनी स्किन पे सनस्क्रीन, ताकि आपकी स्किन सनरेज से प्रोटेक्टेड रहे। नाउ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इज़ कि ये कोई ऐसा चमत्कारी सीरम नहीं है जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को एक बार में सॉल्व कर देगा, बट दिस विल ऐड ग्लो टू योर फेस। इट्स जस्ट दैट अगेन यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ हाउ यू आर यूजिंग दिस व्हेन यू आर यूजिंग दिस। ओके, सो मैं सारा लिंक, सारा एज यूजुअल सारा इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड ऑल्सो प्रोडक्ट का बाइंग लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी, गो चेक दैट आउट। थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।